करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वन टाइम में यहाँ पे इनका सीपीयू चालू हो गया है। इसका दोस्तों आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे एक लाइव बोर्ड में उसका सीपीयू निकलवाएंगे और सीपीयू निकलवा करके हम देखते हैं चालू होता है कि नहीं होता है। बाय स्टूडेंट ही हमारे सारी चीज़ करेंगे। यहाँ पे प्रैक्टिकल की क्लास हमारी चल रही है, हर एक दिन का सेक्शन होता है, सेक्शन के बाद प्रैक्टिकल कराई जाती है। यहाँ पे जैसा कि हम दिखा दें आपको, वहाँ पे जैसे ही होता है, जैसे ही हमारी थ्योरी क्लास कंप्लीट होती है बाय प्रैक्टिकल, तो उसके जस्ट बाद हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल कराते हैं सभी स्टूडेंट को। और अभी हम अपने स्टूडेंट से ही करके दिखाएंगे कि वो एक चालू बोर्ड में, अब वो फ़ोन चालू है कि नहीं है, वो सारा चीज़ पहले हम चालू करके ही दिखाएंगे, उसके बाद हम बताते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो चलो ठीक है, सबसे पहले अपना नाम बताओ और कहाँ से हो। हाँ, नेपाल से आए हो, ठीक है। तो अब एक चालू है फ़ोन नहीं, पहले फ़ोन चालू करके दिखाओ। डीसी से कनेक्ट है हमारा फ़ोन, ये फ़ोन आप जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फ़ोन प्रॉपरली ऑन है, उसको पूरी तरीके से ऑन होने दो। ये देखिए प्रॉपरली तरीके से ये फ़ोन ऑन है। अब इसका आप लाइव सीपीयू निकालेंगे और सीपीयू निकालने के बाद वापस से लगाएंगे, ठीक है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टूडेंट प्रैक्टिकली एक सीपीयू को लाइव बोर्ड से एक सीपीयू निकाल रहे हैं और सीपीयू को फिर लगाएंगे। सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे यहाँ से। आपको प्रेस नहीं करना है, पहले उसको मूव होने दीजिए, जैसे ही मूव होगा आप उसको निकालेंगे। समझ में आ रहा है? उसको पुश नहीं करना है, बस इसी तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे हर एक बॉल आप देख सकते हैं, एक भी बॉल वहाँ पे मिस प्रिंट नहीं हुआ है, किसी का भी प्रिंट आउट नहीं हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे इजिली आराम से उन्होंने एक सीपीयू को निकल गई है, सीपीयू हमारी निकल गई है। जब रोकना, जैसा कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पे इजिली सीपीयू निकल चुका है। अब इसे हम क्लीनिंग प्रोसेस करेंगे, तो सेम हम पीसीबी को भी क्लीन करेंगे और अपना सीपीयू भी क्लीन करेंगे। तो उसके लिए मैं बता दूं आपको, डिसोल्डर वायर को यूज करना होगा। डिसोल्डर वायर से आप पीसीबी को अच्छे से इजिली रिमूव क्लीनिंग कर सकते हैं। चलिए ठीक है, डिसोल्डर वायर पेस्ट लगाइए पीसीबी को और इधर ऐसा रख लो, ठीक है। तो ये हमारी क्लीनिंग प्रोसेस चल रही है। कॉम्पोनेंट्स पे नहीं है, बस टिप्स पे, उतना बड़ा यूज ना करके, ठीक है। मूव करते जाओ, लास्ट के बॉल हैं कॉर्नर के, कॉम्पोनेंट्स पे नहीं, ठीक है। हो गया, सारे क्लीन हो गए। ऊपर एक छूट गया लेफ्ट कॉर्नर पे, हाँ बस ठीक है। तो दोस्तों ये आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सीपीयू क्लीन हो चुकी है, इसको वॉश करो, थिनर डालो। ठीक है, वाइट पेपर, वाइट टिश्यू से कपड़े साफ करो, ये लो। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से सीपीयू क्लीनिंग हो चुकी है, पीसीबी में क्लीनिंग हो चुकी है। अब उसी सेम मेथड से हम उसकी आईसी क्लीन करेंगे। बस अब ये हमारी आईसी भी क्लीन हो चुकी है। कॉर्नर का थोड़ा और कर लो, कॉर्नर के साइड का, हाँ इधर भी, नीचे भी, नीचे के कॉर्नर पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो आईसी है, सीपीयू है, वो भी क्लीन हो चुकी है, ठीक है, क्लीन हो चुकी है। अब पॉज करो, पीपीटी डलवाई है, करो बराबर से मूव कर दो, हाँ कर दो पूरे करो, साफ कर दो, क्लीन कर दो,
चलो रुकना इसको। ओके देख सकते हैं एक्सटेंशन में सीपीयू मैच हो गया। अब हम पेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। अब उसको आपको हमने बताया ये कि आपको जरा सा भी हिलाना नहीं है, समझ में आ रहा है? अब वही क्या होता है, आप हिला देते हैं या कुछ भी हो जाता है तो बॉल एक्स्ट्रा बन जाती है तो छूट जाती है। अप्लाई हो गई है, हाँ लास्ट के कॉर्नर पे अभी और करना थोड़ा, हो गई है ठीक है। अब उसको बैंड ट्विजर लो, अभी एक ट्रिक और दिखाता हूँ आपको ठीक है। बैंड ट्विजर लिया, किस हैंड से काम करते हो? असेंबली किससे चलाओगे? इस हाथ से चलाओगे, हाँ लगाओ, हिलाना नहीं है वहां, थोड़ा सा मूव नहीं करना और कवर करो, हाँ ठीक है, तब छोड़ना जब वो कंफर्टेबल हो। क्लियर है? अब देखो जब आप हिलाते हैं अब क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉल बहुत ही अच्छी तरीके से, सारी बॉलें अच्छे से दिखाई दे रही है। फिर लो, जैसा कि आप देख सकते हैं वन बार में, एक बार में रिवॉल्व हुई है, कितने बार रिवॉल्व हुई है दिखाइए, बताइए कितने बार में आपने रिवॉल्व किया है? वन टाइम में रिवॉल्व हुआ है। चलिए ठीक है, अब आगे का प्रोसेस करते हैं। समझ में आ रहा है, दिख रहा है दोस्तों? जैसा कि आप देख सकते हैं वहां पे हमने सीपीयू को बैठा दिया है, अब इस पे हम आगे की हिट करेंगे प्रोसेस। रुकना, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे और नीचे नोजल को करो, बस जैसे हो जाएगा बता देना। धीरे धीरे मूव करो और धीरे, चारों कॉर्नर पे मूव करो, धीरे धीरे बोला है, बस करो। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सीपीयू लग चुकी है, स्टूडेंट ने हमारे लगा दिए, हमने कुछ भी नहीं छुआ है, सारा सीपीयू स्टूडेंट ने ही किया, रिवॉल्व किया फिर उसे निकाला फिर उसे क्लीन अप, सारी प्रोसेस स्टूडेंट ने ही किया है हमारा। अब वो प्रोसेस हमने एक दो ट्रिक बताई है, अगर उस ट्रिक को आपको जानना है तो आप एक्चुअल में ऐसा टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसको जो आपको जो ट्रिक्स है और भी ट्रिक्स आपको मिल जाएगी। तो जैसा कि आपने उसको लगा दिया, अब चालू करके दिखाइए कि आपका सीपीयू वाकई में लगा कि नहीं लगा। क्या आपने बोर्ड तो चेंज नहीं किया? नहीं सर, यही बोर्ड है। कितने बार में किया आपने? बार में। देखते हैं ऑन होता है कि नहीं, प्रैक्टिकल है कि मैं स्किप करके ऐसा कुछ वीडियो चल रहा है? नहीं सर प्रैक्टिकल है। चालू करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे वन टाइम में यहाँ पे इनका सीपीयू चालू हो गया है। ट्रिक अच्छी लगी कि नहीं लगी आप लोगों को? और इसको जानना है तो क्या करना होगा बताओ? एसआई टेलीकॉम। चलिए ठीक है, तो आप बताइए कैसा आप लग रहा है आपको? सर बेटर लग रहा है। आपने पहली बार में ही लगाया है, मैंने कुछ किया क्या उसमें? नहीं सर, सब मैंने क्लीनिंग किया हो, निकाला हो और आपने फाइनल टच दिया क्या? नहीं सर, जो फाइनल टच होता है जो कि अमूमन करना पड़ता है, फाइनल टच हमें आईसीओ को करने के बाद करना होता है, तो क्या आपने फाइनल टच भी किया क्या? फुल कॉम्प्यूटर के साथ फोन ऑन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।